previous lesson namde discuss kela about different classifications of accounts as per traditional rule, real, nominal and personal. Ab hum isme uske rules dekhenge, uska application mein kaise wo accounts mein actually applicable. The classification is that there are two types of classification. First is personal account and second impersonal account. Or impersonal account we have further two classifications, real account and second is nominal account. हमने ये भी देख चुके और हमें ये भी देख चुके कि हम किस अकाउंट में कौन सी चीज आती है, किस चीज उस अकाउंट में कौन सी चीज, कौन सी आइटम एक्चुअली इन्वॉल्व होती है, कौन सी आइटम इंक्लूड होती है. पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू द पर्सन हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सन और इंपॉर्टेंस ऑफ कैश इक्वल हो जाए, पर्सन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाए. रियल अकाउंट में सारे फिजिकल आइटम्स, मैक्सिमम एसेट्स एंड नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस लॉस एंड इनकम्स एंड गेन्स. अब इसके अकॉर्डिंग इनके रूल्स एक्चुअली डिफाइन किए गए. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रियल अकाउंट. द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out. सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपका अकाउंट रियल अकाउंट है, आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें रियल अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस पर रूल रियल का लगेगा और रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अगर आपको लगता है कि ये रियल आइटम, जो भी रियल आइटम है, whether it is मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स, कैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आपके बिजनेस में आ रहा है, इसका इनकमिंग हो रहा है आपके बिजनेस में, व्हाट कम्स इन, ठीक है, तो हम इसको उठाकर कौन से साइड पर डाल देंगे, टुवर्ड्स डेबिट. उस एस्पेक्ट में हमने वो एस्पेक्ट प्रीवियस लेसन में डिस्कस किए थे. और अगर आपको लगता है कि यही रियल आइटम बिजनेस से जा रहा है, आउट ऑफ द बिजनेस, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. अब आ रहा है मीन्स कैसे आएगा, नेचुरली हम कोई एसेट को परचेस करेंगे तो ही वो हमारे बिजनेस में आएगी, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो हम उसको आना हुआ मानेंगे, फाइन. या हमारे बिजनेस से जाएगा, सेल होगा तो हमारे बिजनेस से जाएगा, उसकी वैल्यू डाउन होगी तो भी हम ये मान लेंगे कि हमारे बिजनेस अल्टीमेटली इट इज गोइंग आउट ऑफ फ्रॉम द बिजनेस. तो इसके रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब हम एक दो ट्रांजेक्शन लेके इसको समझें कि क्या कैसे ही एप्लीकेबल होता है. से हमने ट्रांजेक्शन लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश द डेबिट and credit. Fine. First aspect, two aspect ढूंढने हैं. First aspect is goods. Second aspect is cash. Goods, real account. Cash is also real account. Purchase goods. हमने देखे goods purchase किया, तो goods हमारे पास आ रहा है. It is incoming in the business. तो आ रहा है तो हम उसको कौन से side पर डाल देंगे, debit side. Debit what comes in के रूल से वो debit side चला जाएगा. And cash is going out of the business. Cash हमारे business से जा रही है. और रियल है, कैश भी रियल है, और रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो बिजनेस से आपके जाता है उसको टुवर्ड्स क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है. मींस इन डेबिट वी विल रिकॉर्ड गुड्स, और हम उसको एक्चुअली परचेज बोलते हैं, अभी हम उसको गुड्स के फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं. एंड सेकंड क्रेडिट साइड वी विल रिकॉर्ड कैश. तो पहला परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स इज रियल एंड कैश इज रियल, और रियल पर रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हम देखेंगे रियल आइटम हमारे बिजनेस में आ रही है तो डेबिट साइड डालो, जा रही है तो क्रेडिट साइड डालो. सिंपल. नंबर टू, सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश. नाउ फर्स्ट एस्पेक्ट इज कंप्यूटर, सेकंड एस्पेक्ट इज कैश. कंप्यूटर इट इज अ रियल आइटम, कैश इज ऑल्सो रियल आइटम. सोल्ड कंप्यूटर जा रहा है हमारे पास, रूल कौन सा अप्लाई होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बेचेंगे तो कैश हमारे पास से आ रही, कैश आ रही तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश विल बी डेबिटेड एंड कंप्यूटर विल बी क्रेडिट. तो ये एग्जांपल है. थर्ड एग्जांपल हमने से परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश. कैश जान उसके भी लिखा हूं क्योंकि हम बहुत इनिशियल लेवल पर से. First aspect is machinery, second aspect is cash. Machinery is a real account, cash is also a real account. Purchase machinery means machinery is coming in the business,
आ रही है तो डेबिट कर दो, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस जा रहा है तो क्रेडिट कर दो, सिंपल। तो मशीनरी विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड, हियर वी रिकॉर्ड मशीनरी टुवर्ड्स डेबिट साइड एंड कैश टुवर्ड्स क्रेडिट साइड। नाउ अब ऐसे ही जो भी आप कैश का इन्वॉल्वमेंट करो, जब भी आपको लगे किसी भी ट्रांजेक्शन में कि अगर उसमें कोई रियल आइटम है, कोई रियल अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो देन डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट, क्योंकि वो कौन सा है, रियल अकाउंट है। नाउ सेकंड अकाउंट इज नॉमिनल, बात करें अमाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का हम डिस्कशन कर चुके हैं कि नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम्स एंड गेन्स हैं। तो ये भी गो हमारे पास इसके रूल भी अकॉर्डिंगली ही डिस्क्राइब, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स एंड डिविडेंड्स। एक ही बात है, आप सवाल पूछिए। अब इस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर आपको दिखता है कि जो सर्विस है उस सर्विस के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस होगा नेचुरली, सैलरी पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं, जो भी पेमेंट कर रहे हैं, अल्टीमेटली ऑल दोज आर द पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। हम कोई भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बैंक से इंटरेस्ट को ला, किसी दूसरे बंदे से इंटरेस्ट को ला, कमीशन रिसीव हुआ, तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू इनकम्स। तो अगर आपको दिखता है कि एक्सपेंस या लॉसेस है इस ट्रांजेक्शन में, देन इट विल बी डेबिटेड, एंड इफ वी वॉच दैट देयर इज एन इनकम और गेन, देन इट विल बी क्रेडिटेड। से कुछ एग्जांपल्स, वही सेम डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट इज रेंट पेड इन कैश, कैश में जानबूझ कर लेना, रेंट पेड, पेड से समझ में आ रहा है रेंट इज एन एक्सपेंस, ठीक है, कैश हमारी रियल है, रेंट इज एन एक्सपेंस मींस नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट पे एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस के रूप से रेंट विल बी गोज टुवर्ड्स दैट डेबिट साइड, बट कैश इज अ रियल, तो रियल पर अगेन वी विल अप्लाई द रूल ऑफ रियल अकाउंट, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम रेंट पे करेंगे तो नेचुरली कैश हमारे पास से जाएंगे, एंड इस पर रूल लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस पर रियल का रूल, इस पर नॉमिनल का रूल। अब दो कॉम्बिनेशन प्रीवियसली हमने जितने भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे वो सारे रियल टू रियल कॉम्बिनेशन के डिस्कस किए थे, बट अब हम रियल और नॉमिनल के कॉम्बिनेशन के डिस्कस करें। नाउ सैलरी विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। नंबर टू, कमीशन रिसीव्ड इन कैश, हमें कमीशन रिसीव हुआ, फर्स्ट एस्पेक्ट इज कमीशन, सेकंड एस्पेक्ट इज कैश। नाउ कैश इज रियल अगेन, कमीशन रिसीव्ड इट इज अवर इनकम, सो इट इज नॉमिनल अकाउंट। अब ये हमारी इनकम है एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स के रूल से कमीशन विल बी क्रेडिटेड, कैश इज रियल अकाउंट, रियल का रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम इसको कमीशन रिसीव होने से हमारे पास कैश आएगा, तो कैश विल बी डेबिटेड नाउ as per the rule of real account, debit what comes in, and commission will be credited as per the rule of nominal account, credit all the incomes and gains. तो ये हमारे कुछ nominal के examples, से हमने कहा salary paid in cash, तो salary is nominal account, cash is real account, salary paid बोला तो it is an expense, expense will be debited, और cash बोला तो cash will be credited, fine. ऐसे ही जो भी आप इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट, रिसीव्ड इंटरेस्ट मींस इट इज एन इनकम फॉर अस और इनकम विल बी क्रेडिटेड, हम उसको क्रेडिट में डालते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स के रूप से, एंड कैश हमारे पास आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन के रूप से, कैश विल बी डेबिटेड। तो हमारे दो अकाउंट्स हो गए, फर्स्ट रियल अकाउंट एंड सेकंड नॉमिनल अकाउंट। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड विद द पर्सन। अब यहां पर पर्सन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, तो हम यहां पर रूल भी अकॉर्डिंगली डिफाइन किया है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
अगर आपको लगता है कि जो पर्सन उस ट्रांजेक्शन में है वो रिसीवर है, अब रिसीवर किस चीज का, तो इट मे बी द रिसीवर ऑफ गुड्स और रिसीवर ऑफ कैश और एनी अदर थिंग, ठीक है, और अगर वो गिवर तो उसको डेबिट कर दो, फाइन। और अगर आपको लगता है कि वो स्पेसिफिक पर्सन गिवर है, गिवर ऑफ गुड्स, गिवर ऑफ कैश और गिवर ऑफ एनी अदर थिंग, तो आप समझ लो कि उस बंदे को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो उसका सिंपल सा आप खुद को ना देखें, आप सामने वाली पार्टी जिससे आप एक्चुअली डील कर रहे हैं उस पर्सन को हम देखेंगे, उस एम्फसाइज उस पर करेंगे, इफ ही इज द रिसीवर एंड ही विल बी डेबिटेड एंड इफ ही इज द गिवर ही शी और इट, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, फाइन। अगेन सम एग्जांपल्स, हम यहां पर डेबिट और क्रेडिट कर चुके हैं। ट्रांजेक्शन ए परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रोहित, फाइन। अब अकाउंट्स का रूल है कि अगर पार्टी की एक असम्पशन है कि पार्टी का अगर नाम आ जाता है किसी भी पार्टी जिससे हम डील कर रहे हैं और कैश मेंशन नहीं हो, तो देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज गुड्स, सेकंड एस्पेक्ट इज रोहित। गुड्स इज अ रियल अकाउंट, कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रोहित इज अ पर्सन और ही इज रिप्रेजेंटिंग पर्सन अकाउंट, परचेज गुड्स। गुड्स का रियल का रूल लगाए, रियल का रूल डेबिट कार्ड टर्म्स इन, क्रेडिट कार्ड गुड्स आउट, और हम जब गुड्स को परचेज करेंगे तो नेचुरली वो हमारे बिजनेस में आएगा, तो जब वो आएगा तो डेबिट कार्ड टर्म्स इन के रूल से इट विल बी डेबिटेड, डेबिट हम लिख देंगे। गुड्स किसके पास से आया, रोहित के पास से। रोहित इज द गिवर ऑफ गुड्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रोहित इज द गिवर, सो रोहित विल बी क्रेडिटेड, रोहित को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ऐसे ही सेकंड सोल्ड मशीनरी टू आकाश, फाइन। नाउ फर्स्ट एस्पेक्ट इज मशीनरी एंड सेकंड एस्पेक्ट इज आकाश। मशीनरी इज अ रियल अकाउंट, आकाश इज अ पर्सनल अकाउंट, बिकॉज कैश इज नॉट मेंशन्ड इन दिस ट्रांजेक्शन, इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हमने मशीनरी को क्रेडिट पर आकाश को सेल किया, फाइन। मशीन पे रियल का रूल लगाएं, डेबिट कार्ड कम्स इन, क्रेडिट कार्ड गोज आउट, मशीन सेल होगी तो मशीन हमारे बिजनेस से जाएगी, और जाएगी मींस क्रेडिट कार्ड गोज आउट, मशीनरी विल बी क्रेडिटेड। और आकाश किसके पास जा रही है, आकाश के पास। आकाश इज द रिसीवर, आकाश पर्सनल तो रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो आकाश इज द रिसीवर, तो आकाश विल बी डेबिटेड, आकाश को डेबिट कर देते। नंबर थ्री से कैश पेड टू मनोज, अब मनोज हमारा पेड टू मनोज, मनोज को अगर हम पेमेंट कर रहे थे तो एक्चुअली हमने मनोज से कुछ या तो कैश उधार लिया होगा या गुड्स उधार लिया जिसके अगेंस्ट हमने उसको पेमेंट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट हमने उसको पेमेंट किया, ठीक। कैश और मनोज के इंपॉर्टेंस इक्विवेलेंट हो गए, सेम है। फर्स्ट एस्पेक्ट इज कैश, सेकेंड एस्पेक्ट इज मनोज, फाइन। कैश इज अ रियल अकाउंट, मनोज इज अ पर्सनल अकाउंट। अब जब कैश रियल अकाउंट है और मनोज पर्सनल अकाउंट है, तो इस पर रियल का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश पेड तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से कैश विल बी क्रेडिटेड। और किसके पास जा रहा है, मनोज के पास, मनोज इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर के रूल से मनोज विल बी डेबिटेड, तो मनोज विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। ऐसे ही जहां हम पेमेंट किसी को करते हैं तो हमें किसी किसी से पेमेंट रिसीव होता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकबर, अब फर्स्ट एस्पेक्ट इज कैश, सेकंड एस्पेक्ट इज अकबर। कैश रिसीव, कैश इज अ रियल अकाउंट, नेचुरली अकबर इज अ पर्सनल अकाउंट। कैश रियल का रूल अप्लाई होगा, कैश रिसीव, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रिसीव होने से कैश आ रही है हमारे पास, डेबिट कर देंगे। किसके पास से आ रही है, अकबर के पास, अकबर इज द गिवर, so अकबर will be credited, cash will be debited, अकबर will be credited। कहने का मीनिंग ये कि हम सब जब भी पर्सनल का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमें सिर्फ ये देखना है कि whether person is the receiver or he is the giver। अगर वो receiver है then he will be debited और अगर वो giver है then he will be credited। एक example last one है इसमें, फिर से cash deposited in bank, हमने कुछ कैश बैंक में डिपॉजिट किया। हाँ, कैश इज अ रियल अकाउंट और बैंक में हमारा पैसा रहेगा, बैंक से हमें लेना है, तो बैंक इज पर्सनल अकाउंट।
क्योंकि यहाँ पर कैश के कैश हमारा वहां है तो हमें उससे लेना पड़ेगा। Real to real control, debit what comes in, credit what goes out, जा रहा है cash, तो it will be credited. Bank is the receiver, तो bank will be debited. The bank will be debited and cash will be credited. Finally, हमने तीन rules ultimately, three classifications के accordingly discussed किए. First was the real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. And third is personal account, debit the receiver and credit the given. ये हमारे traditional rules थे, which are also known as golden rules.